हमारी जिंदगी की गाड़ी दो पहिए की नहीं बल्कि तीन पहिए की गाड़ी। अगर उसमें से एक पहिया भी निकल गया तो ये गाड़ी अटक जाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए हमारी गाड़ी में तीनों पहिए रहने जरूरी है ताकि हम जिंदगी की सड़क पर चल सकें। कोई नहीं, सही कह रही है, इतना आसान नहीं होता दुनिया का सामना। और नहीं तो क्या, अरे भाई हम किसी समाज में रहते, कोई जंगल में नहीं रहते कि हम कुछ भी करें कैसे दीजिए और लोग हमें उम्मीद ना। पापा जी, इस समाज का क्या, इस समाज ने आज तक किसको अच्छा बोला? इस समाज को तो भगवान से भी तकलीफ है ना, वो तो भगवान में भी उंगलियों उठे। तो फिर समाज की खुशी के लिए हम अपनी खुशियों को कोने में क्यों धोखे? और उसके बाद भी अगर कोई सवाल करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। आप मुझे एक सिक्का दीजिए, आपके पास एक सिक्का है? इस सिक्के को देखिए, हम सब जानते हैं इस सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें हम देख सकते, पर क्या हम इन्हें अलग कर सकते? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अरे ये दोनों ही पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे कैसे अलग करेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ ना, कोई निकाल इस सिक्के की तरह मैं और सरवरी में पाठ का दूसरा पहलू जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर किसी तरह आप एक सिक्के की एक तरफ बिगाड़ भी दें तो दूसरी तरफ की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए हम तीनों का साथ रहना ही जरूरी है। इज्जत कमाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है और हमारा अगला एक गलत फैसला सारी खतरों को बता देता है। समाज भानुशाली परिवार की मिसाल देता है और हमारे इस फैसले से क्या हम हमारे ही समाज को शौर्वरी का रिश्ता आपस में क्या? जानता हूं तुमने इस रिश्ते को ऐसा नाम सुनता है, तुम लोग अच्छा नहीं बेटा, सच्चे हो तुम, ये सच्चे हो बेटा। एक्चुअली ये तो बात तो बहुत बड़ी हो गई, एक पति की दो दो पत्नियाँ, पहली अभी मरी नहीं है और दूसरी ऑलरेडी आ गई है। बट हालात ऐसे थे कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था। डेफिनेटली पार्थ और टेनी एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है एंड पार्थ का लव इज़ शौर्वरी, सो वो दोनों के बगैर अधूरा है ही। जब शौर्वरी नहीं थी तो एक ढाल बनकर टेनी खड़ी थी एंड शौर्वरी और टेनी ने मिलके पूरे परिवार को संभालने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है। तो तीनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं एंड आई थिंक वो हमेशा उनके बीच के क्यूट क्यूट मोमेंट्स ऐसे रहे हैं। सो डेफिनेटली किसी अगर कोई बाहर वाला देखेगा और तीसरी मतलब बाहर के इंसान को तो ये थोड़ा सा अजीब ही लगेगा कि ये क्या है, एक
एक आदमी की दो दो बीवियाँ और दोनों एक साथ खुश, तो या डेफिनेटली ये बहुत ही दिलचस्प रिश्ता है। और दिलचस्प रिश्तों की कुछ खास बातें हैं जो आई थिंक हमारी स्टोरी लाइन अब जब हमारा शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फैमिली अपोज ओपल्स कर रही थी और सौतन भी बोला गया मेरे और टेनी के रिश्ते को, तो डेफिनेटली उन्होंने एक्सपीरियंस है, घर में सबसे बड़े होते हैं, उन्हें जो दिखता है शायद उनकी लाइफ और उनकी चल उन्होंने भी अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें देखी होगी जिसका अनुभव रहा होगा, और उन्होंने हमें पहले से ये वार्निंग करने देनी चाहिए होगी, उन्होंने पहले से ही हमें वार्न किया है कि इट्स नॉट दैट वेरी ईजी जितना आप सोच रहे हो, सो बी वेरी कॉशियस बिफोर यू से। सो या शौरवरी और टेनी के जो बीच में ये जो बैलेंस है, ये दोनों ही बहुत स्मार्टली ये बैलेंस लेकर चलती है, क्योंकि कभी एक दोनों में ऐसा नहीं हुआ है कि वो उसकी जगह लेना चाहती है। पार्थ और टेनी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बात शौरवरी जानती है, और अब जो हालात है उस हालात के चलते हुए भी इन दोनों की बॉन्डिंग अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर दैट कि आगे चलकर भी ऐसा ही कुछ होगा। बहुत लोग कोशिश भी करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, बट आई थिंक अगर एक दूसरे पर विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें मतलब नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सो लेट्स सी, शौरवरी को तो अपने ऊपर बहुत विश्वास है और अपनी दोस्ती पर भी विश्वास है, तो आगे चलकर देखते हैं कि लोग कितनी बाधाएं डालते हैं। Hi, this is Divyanka Tripathi. Hi, this is Aneri Bajani. Hi, this is me, Jagyasa Singh. Hi, guys, this is Kushal Tandon. Hi, this is Sonal Bengulekar. Hi, this is Ali Goni. And you're watching Teleshow. And you guys are watching Teleshow. Keep watching your favorite channel, Teleshow. Keep watching Teleshow. You are watching Teleshow. Please like, subscribe, and comment on Teleshow.